आपका क्वेश्चन है, टू रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 45 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर आर फोल्डेड टू मेक हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर पाइप्स सच दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर ऑफ ओवरलैप व्हेन स्टिकिंग द एंड्स ऑफ द शीट. शीट 1 इज फोल्डेड अलोंग लेंथ एंड शीट 2 इज फोल्डेड अलोंग विड्थ. The top edge is joined with the bottom edge in both the sheet. Both pipes are closed on both ends to form cylinder. Now, find the difference in curved surface area of two cylinders. Second, find the ratio of volume of two cylinders formed. ठीक है, तो देखो आपका ये rectangular sheet है दो. एक को हमने ऐसे रख दिया, एक को हमने ऐसे रखा, दोनों के डायमेंशन सेम है. अब देखो इसने क्या बोला है कि फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट शीट, यह है आपका सेकेंड शीट. नाउ तो देखो आपको करना क्या है, इसके अंदर इसने देखो क्या बोला है, शीट वन को क्या करना है. शीट वन इज फोल्डेड अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ उसको फोल्ड करना है. दैट मीन्स ये वाला पार्ट, दिस पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों को फोल्ड करके इसके ऊपर आएगा. ठीक है, तो अगर ये इसमें फोल्ड होके ऐसे आएगा तो ये आपका बन जाएगा हाइट. तो दिस विल बिकम द हाइट. और ये जो 45 सेंटीमीटर है एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा सर्कल. लेकिन इसने बोला है एंड टू एंड ज्वाइन नहीं होगा, क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ओवरलैप. तो 45 की जगह पे अब बच जाएगा आपका 44, तो ये आपका बच गया 44. तो 44 का अगर आप देखेंगे दैट इज द सर्कल, दैट मीन्स दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 44. ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44. तो 44 एंड 44 गॉन, यहां बच गया 1. तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो ये वाला जो सिलेंडर बनेगा इसका क्या बनेगा, आपका रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 155 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इसने क्या बोला है, देखो सेकेंड शीट इज फोल्डेड अलोंग विड्थ, अलोंग विड्थ में आपको फोल्ड करना है. ठीक है, तो विड्थ इज दिस, तो अलोंग विड्थ का मतलब है दिस पार्ट विल कम टू दिस पार्ट. तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये अगर ऐसे फोल्ड होके इधर आएगा तो दिस विल बिकम योर हाइट. तो ये आपकी हाइट हो जाएगी और रेडियस ये आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा. लेकिन 1 सेंटीमीटर हमने ओवरलैप में यूज कर लिया तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर. अगर ओवरलैप में यूज कर रहे हैं दैट इज योर सर्कमफ्रेंस. तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2πr इज इक्वल टू 154. वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7r इज इक्वल टू 154. तो ये देखो 2 से कट किया हमने इसको, तो ये आपका आ गया 77. अब हमने 11 से कट किया तो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 7. तो 7 × 7 तो r हमारा कितना आ गया, 7 × 7 इज 49/2 सेंटीमीटर. तो इसका ये जो सिलेंडर बनेगा इसका आपका आएगा रेडियस इज 49/2.
एंड द हाइट इज 45 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने क्या है, देखो फाइंड द डिफरेंस इन सीएसए ऑफ टू सिलेंडर्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर्स। तो कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस, तो फर्स्ट सिलेंडर का सीएसए निकालते हैं, तो हमको नहीं पता कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो डिफरेंस कैसे मालूम पड़ेगा वो हमको देखना है। तो फर्स्ट सिलेंडर का सीएसए, और हम क्या कर सकते हैं, सीएसए ऑफ दिस माइनस सीएसए ऑफ दिस करते हैं तो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सीएसए हमारा क्या होता है, 2πRh, तो 2πR1, इसको 1 ले लिया हमने, और h इज योर h1 इज दिस माइनस 2πR2h2 दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो 2π इज कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया R1H1 माइनस R2H2 दैट इज इक्वल टू 2 × 22/7। R1 कितना है हमारा 7, तो 7 × 155 माइनस R2 इज 49/2 इंटू 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये दोनों के अंदर 7 इज कॉमन, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 × 22/7 और इंटू 7, तो यहां पर बच गया 1, तो ये हो गया 155 माइनस, ये 7 हमने एक बार निकाल लिया, तो यहां पर 49 में और क्या बच गया 7 × 45/2, 7 गॉन। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 7 × 45, तो ये हो गया आपका 155 माइनस 5 × 7 = 35, 3 × 28 = 31/2, तो इसके अंदर देखो ये आपका बड़ा है, यानी कि इसके अंदर आपका कर्व सरफेस एरिया इज ग्रेटर, ठीक है। तो उसमें उसका मतलब क्या है, हमको ये वाले एरिया से ये वाला एरिया माइनस करना है, लेकिन कितना डिफरेंस आएगा, यू विल गेट इन नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं, कोई बात नहीं, नेगेटिव आने दो। तो देखो क्या हो रहा है आपका, इसको कट किया तो ये आपका आ गया 157.5, माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 2.5, तो 44 × −2.5 दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 44 × 2 = 88 एंड 0.5 से करेंगे तो आएगा 22, तो ये हो गया आपका 88 + 22 दैट इज इक्वल टू 10 1 carry 10 11 110, वो भी माइनस में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर हमारा एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है ना, तो एरिया शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, तो देयरफॉर द डिफरेंस इन एरिया इज 110 cm². आप इस तरह से कर सकते हैं, लिखना है लेकिन एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर द एरिया इज 110 cm², ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो सेकंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 दैट इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच,
तो पाई आर वन, आर वन कितना है, सेवन है, तो सेवन इंटू सेवन इंटू 155 बाई अगेन पाई इंटू 49 बाई टू, तो 49 बाई टू मीन्स टू विल कम हियर एंड 49 विल कम हियर इंटू अगेन 49 बाई टू, तो टू यहां पर आ जाएगा इंटू द हाइट, तो हाइट इज 45। अब इसको कट करो, तो 7 इंटू सेवन पाई एंड पाई गॉन, 7 इंटू सेवन 49, 49 गॉन, ठीक है। अब 5 से इसको कट करो, ये हो गया आपका 9 टाइम्स और ये हो गया आपका 31, 31, ठीक है 31। तो 31 इंटू 4 कितना होता है हमारा, 4 124 बाई, इसको मल्टीप्लाई करो 49 इंटू 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 8 इज 44, तो योर रेशियो इज 124 बाई 441, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना।